जीवन कैसे जिए। देखिए, हम सभी लोग जीवन तो जीते हैं, जीवन एक मूर्ख व्यक्ति भी जीता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति भी। लेकिन एक ये प्रश्न कि जीवन जीना कैसे चाहिए, ये सबके दिमाग में आता है। इस सामान्य से प्रश्न के उत्तर में अनेकों महापुरुषों ने और भगवानों ने अवतारों के माध्यम से बार बार बताने का प्रयास किया है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, पर हमारी अज्ञानता सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। तो आज इस सवाल के जवाब में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। तो हमारा यह संपूर्ण जीवन कैसे चलता है और भविष्य में आगे कैसे चलेगा, ये बात पूर्णतः इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपने आप को क्या समझा है। आप अपने आप को जो भी मानते हैं, आपके लिए जीवन बिल्कुल वैसा ही काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को पुरुष मानते हैं तो ये संसार आपके लिए दो भागों में बढ़ जाता है, स्त्री और पुरुष। और अगर आप अपने आप को अमीर मानते हैं तब भी यह संसार आपके लिए दो भागों में बढ़ जाता है, अमीर और गरीब। इस तरह की मान्यताएं रखते रखते हमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। इसके बाद हम जगत में वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। मेरी दादी जब गांव से शहर आती थी यानी दिल्ली में, तो वो यहाँ 10-12 दिन से ज्यादा नहीं रह पाती थी, जबकि यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है। पानी पीने के लिए यहाँ से नल नहीं चलाना पड़ता, पूरा घर बहुत साफ सुथरा रहता है, इंस्टेंट खाना बन जाता है, तरह तरह के पकवान बन जाते हैं, जिसे बनाते समय चूल्हा भी नहीं फूंकना पड़ता और धुएं के कारण आंखों से पानी भी नहीं आता। पर मेरी दादी यहाँ पर 10-12 दिन से अधिक नहीं रह पाती थी। वो कहती थी, मुझे गांव की याद आ रही है, मैं मानती हूँ यहाँ किसी भी चीज की परेशानी नहीं है, सभी सुविधाएं बेड पर ही उपलब्ध है, पर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो जो भी क्रियाकलाप हम बार बार दोहराते हैं, जिन स्थिति परिस्थितियों में हम रहते हैं, उन सब के हमारे चित्त में संस्कार यानी मेमोरी बन जाती हैं, और वो मेमोरी हमारे चित्त में निशान छोड़ जाती हैं। और जब ये कलेक्टिव मेमोरी हमारे भीतर प्रगाढ़ हो जाती हैं, तब ये हमारी हैबिट्स यानी आदत बन जाती हैं, जिसे आप स्वभाव भी कहते हैं। हमारी पूरी जिंदगी हमारे स्वभाव के अनुसार चलती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक छोटे से बीज के अंदर उसकी अपनी कलेक्टिव मेमोरी होती है। हो सकता है वह बीज किसी और बीज की तरह दिख सकता हो, पर उस बीज में जो मेमोरी मौजूद है, वह बीज अंकुरित होने के बाद वही बनेगा जो मेमोरी उसके अंदर है। उस बीज में आप कितने भी मंत्र फूंक दो, उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। अर्थात एक जामुन की गुठली आम के वृक्ष को पैदा नहीं कर सकती। आज हम जो भी कुछ हो पाते हैं, वो हमारी कलेक्टिव मेमोरी की वजह से ही हो पाते हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के 4 पुत्र हैं, तो हो सकता है उन 4 पुत्रों में दिखने में काफी हद तक कुछ सिमिलैरिटी हो, परंतु उनका स्वभाव अलग अलग होता है, और वो होता है उनकी कलेक्टिव मेमोरी के कारण। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए, हम केवल अपने बच्चे को देह यानी शरीर प्रदान करते हैं, परंतु उस देह में रहने वाला देह ही अर्थात वो जीव हम निर्माण नहीं करते, और ना ही ये जीव निर्णय लेता है कि उसे किस देह के माध्यम से इस संसार में आना है। तो कुल मिलाकर इन बातों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इनको थोड़ा ध्यान से समझना। पहला है कि ये जीव कौन सा शरीर धारण करेगा। क्या हम लोगों को जन्म के समय यह पता था कि फला फला हमारे माता पिता होंगे। दूसरा है कि इस जीव को जीवन में क्या क्या भोग, क्या क्या सुख दुख मिलेंगे। आप कहते हो कि मैं ये बन गया, मैं जो कुछ बना हूं अपनी मेहनत से बना हूं, क्या आपको पता था कि आप यही बनेंगे। और तीसरा है इस शरीर की मृत्यु, ये जीव इस शरीर को कब छोड़ेगा, इसका निर्णय भी जीव नहीं ले सकता। देखिए, हम सबको एक चीज से बहुत डर लगता है, अपनी मृत्यु से। अगर आप अपनी मृत्यु के बारे में मुझसे कुछ पूछते हैं, तो एक चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आप एक दिन जरूर मरेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को देह माना है, ये शरीर। और आपकी दूसरी गलतफहमी, आप कहते हो कि मैं अपनी मृत्यु से नहीं डरता, मैं डरता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। अगर मैं जल्दी मर गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा, ये कैसे जिएंगे। तो इस बात के लिए भी मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूँ, वो जी लेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें छोटे पर ही छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या वह बढ़ नहीं पाते, क्या उनकी हाइट केवल 1 या 2 फीट की रह जाती है। नहीं, वो फिर भी जीते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से कहते हुए सुना है जिसके माँ बाप ना हो, उसे छोटे पर ही छोड़कर चले गए हो, कि यार मेरे माँ बाप नहीं थे इसलिए मैं 2 ही फिट का रह गया, मैं बढ़ ही नहीं पाया, या मेरी बुद्धि बच्चों जैसी रह गई, मैं मैच्योर नहीं हो पाया। असल में हमें ही ऐसा लगता है कि ये संसार हमारे कारण चल रहा है। देखिए, सच्चाई सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती, तो जितने भी लोग डर डर के जीते हैं, वो सरासर भगवान का अपमान करते हैं।
अब आप ही मुझे बताइए, क्या भगवान कोई डरने की वस्तु है? भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, जीवन भी मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं हूँ असत्य भी मैं हूँ। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक बात सही से बिठानी होगी, सब कुछ वही है तथा वो और मैं अलग नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन ये प्रश्न स्वतः ही मिट जाता है कि जीवन कैसे जिए, क्योंकि असल में जीवन हम जी ही नहीं रहे हैं, जीवन हमारे माध्यम से जिया जा रहा है। लेकिन ये कहने से और सुनने से ही समझ में नहीं आएगा, ये अनुभव परमात्मिक कृपा से ही आ सकता है, और परमात्मिक कृपा पाने के लिए हमें थोड़ा सा लायक बनना होगा। देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो केवल वह बच्चा ही पैदा नहीं होता, उसके साथ उसके माँ बाप भी पैदा होते हैं, साथ ही साथ अनेक रिश्ते पैदा होते हैं। ये बात सही है, इस देह पर प्रथम अधिकार माता पिता का होता है, परंतु माता पिता का अधिकार सिर्फ बच्चे की देह पर होता है, उस बच्चे के देह के स्वामी पर नहीं। इसीलिए भ्रूण हत्या को एक पाप माना गया है। तो जो महिलाएं अपने गर्भ में आने वाले बच्चे को, जो उस महिला के माध्यम से आने वाला है, उसे नष्ट कर देती हैं, इसे पाप कहा गया है, क्योंकि वो शरीर केवल संसार में नहीं आ रहा है, उसके साथ उस देह का स्वामी संसार के सुख दुख अपने संस्कारों को भोगने के लिए आ रहा है, और आप भ्रूण हत्या करके प्रकृति के काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए कभी भी प्रकृति के कार्यों में अपनी दखलंदाजी देने का कार्य ना करें। दूसरी बात ये, जब बच्चा इस संसार में आता है तो माँ बाप को यह समझना चाहिए कि हमें इस कार्य के लिए चुना गया है। बच्चे को खूब प्रेम करें, परंतु ये बात हमेशा ध्यान रहे कि आपका प्रेम आसक्ति में ना बदल जाए। कुछ माताएं बहनें अपने बच्चे से इतनी आसक्ति रख लेती हैं कि उनका बच्चा सबसे अच्छा है, बाकी बच्चे अच्छे नहीं हैं, और दूसरों के बच्चों से हमें क्या मतलब। फिर हम अपने बच्चे को लेकर विभिन्न कल्पनाएं करने लगते हैं, ये मेरी बात नहीं मानता, बड़ा होके न जाने क्या बनेगा, क्या करेगा, ये जीवन कैसे जी पाएगा, और फिर यहीं से दुख शुरू हो जाता है। तीसरा, कभी भी बच्चों के कारण दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम है वहां दुख नहीं होगा, पर जहां आसक्ति है वहां सुख होगा ही नहीं। बच्चे को 5-6 साल की उम्र तक प्रेम करें, और जब बच्चा 7 साल का हो जाए तब उसे जीवन के बारे में थोड़ा बहुत बताएं, उसमें डिसिप्लिन लाने का प्रयास करें। अगर 12-13 साल तक बच्चे में डिसिप्लिन नहीं आया तो वो बच्चा कभी भी एक डिसिप्लिन जीवन नहीं जी सकता। इसके लिए बच्चे को दो बातें अवश्य सिखाएं कि जीवन में हमें ना सुनना आना चाहिए और ना कहना भी आना चाहिए। याद रखना, जो अपने जीवन में ना सुन नहीं सकता और ना बोल नहीं सकता, वह पूरा जीवन दुखी ही रहता है। चौथा, जब बच्चा 12 का हो जाए तो उसे जीवन के बारे में बताना चाहिए, उसे किसी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दें, उसको जीवन में कोई गोल निर्धारित करने की प्रेरणा दें। हाँ, ये गोल भौतिक या आध्यात्मिक कैसा भी हो सकता है, अब जैसा भी उसका स्वभाव हो। उसको कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। 13 साल से 19 साल की उम्र को हम टीनेज कहते हैं, इस समय धर्म अर्थ काम तथा इन सब के बारे में उसको बताना चाहिए, इन सब का प्रयोजन केवल मोक्ष है ये बताना चाहिए। ये उम्र का एक वो समय होता है जिस समय उस बच्चे को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होती है, इसलिए आप स्वयं ही उसकी प्रेरणा का उदाहरण बने, क्योंकि बच्चा जैसा घर में देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। पांचवा, इसके बाद जब बच्चा 19 साल की उम्र पार कर देता है और आपके पैर का जूता उसके पैर में आने लगे, उसके बाद वह आपका पुत्र या पुत्री नहीं रह जाता, अब उसके साथ आपका संबंध एक मित्र का होना चाहिए। इस उम्र में उससे बात करनी चाहिए, उसे सुनना चाहिए। इस उम्र में कभी भी अपने निर्णय अपने बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए, बल्कि उसके निर्णय का सम्मान करें। यदि आपने अपने माता पिता जीवन को इस प्रकार जिया है तो इससे बड़ी आध्यात्मिक साधना कोई हो ही नहीं सकती। छठा, 20-21 साल की उम्र में मनुष्य का मस्तिष्क सही गलत का निर्णय लेने में सामर्थ्यवान हो जाता है। अब जीवन में आपको यह जानना है कि मैं जीवन में किस तरह से सिक्योर हूँ, उसके लिए आपको धन की आवश्यकता होगी, और धन कमाने के लिए नौकरी या व्यवसाय करेंगे। आप कोई सा भी कार्य चुने जिसको करने में आपको प्रसन्नता मिलती है वो काम करें, फिर आप अपने चुने हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। उम्र के इस पड़ाव में शादी करनी है या नहीं करनी, पैसे कैसे कमाने या नहीं कमाने, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही इन चीजों को समझता है। क्योंकि 25 साल की उम्र आते आते आप खुद को लेकर इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे, जिम्मेदारियों का भी एहसास हो जाता है। ये अभी तक की आपकी आधी भौतिक यात्रा है, इसके बाद आपको आधी देवी क्षेत्र में प्रवेश करना है, और इसके लिए पहले आप अपने स्वभाव को जानने का प्रयास करें। अब ये करने के लिए आपको अपने पूरे 24 घंटों में से 1 घंटा ऐसा निकालना है जिसमें केवल आप ही हो,
और आपके साथ कोई ना हो, ना ही कोई ऑफिस का, ना ही आपके परिवार का कोई सदस्य है। इसके लिए आप अपने कमरे में जमीन पर बैठ जाएं और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस भारी जगत की चिंता ना करें, इसके बारे में कुछ ना सोचें। बस केवल विचार हो तो यही हो कि ये देह क्या है, क्या इस देह के अलावा भी मेरे भीतर कुछ है, इस देह यानी शरीर और इस भारी जगत का क्या संबंध है, हम जीवित किस प्रकार हैं, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं या जगत को लेकर जितने भी प्रश्न हैं, उसे एक डायरी में लिखें। आपके मन में इससे रिलेटेड एक के बाद एक या अनेक प्रश्न आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक उन प्रश्नों को जानने की इच्छा बहुत तीव्र ना हो जाए। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में परिवार में पूजा पाठ होती है तो उस स्थान पर जाकर थोड़ी देर बैठें और वहां बैठने के बाद इस दुनिया को भूल जाएं। केवल आप और आपके वो देवी देवता जो आपके आराध्य हैं, अर्थात आप रोजाना 10-15 मिनट पूजा पाठ करें। आध्यात्म कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है जो आपको मजबूरी में करनी चाहिए, ये आपके रूटीन में होना चाहिए। मतलब ये सभी क्रियाएं स्वाभाविक होनी चाहिए, आपको इसमें आनंद आना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊं जिसमें जीवन के और भी गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है, लेकिन आपके हर कमेंट का जवाब देना संभव नहीं होता, या मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि शायद उसका जवाब मैं पहले की अपनी वीडियोस में दे चुका होता हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही ज्ञान की बातों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।